नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज की खबर छत्तीसगढ़ से है। भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को लोकेश कांवड़िया, बस्तर जिला संगठन प्रभारी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की वादाखिलाफी धान खरीदी की अव्यवस्था को लेकर 13 जनवरी को विधानसभा स्तरीय प्रदर्शन को लेकर राज्य सरकार पर लगाए गए आरोप। 2 साल में विफलता के सारे कीर्तिमान हासिल कर चुकी है छत्तीसगढ़ में बैठी कांग्रेस की सरकार। किसान विरोधी है और प्रदेश में किसानों के साथ लगातार अन्याय भी कर रही है। हालात इतने खराब हैं कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष के क्षेत्र में भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कांग्रेस वादा खिलाफी और विश्वासघात का रोज नया रिकॉर्ड बना रही है। सबसे बड़ा घोटाला यहां सरकार बारदाने के नाम पर कर रही है, उसके बहाने धान खरीदी से बचना चाहती है। कांवड़िया ने बताया कि पिछले वर्ष के धान की कीमत का पूरा भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। वर्तमान में 20-20 दिन बीत जाने के पर भी किसानों के खातों में एक भी पैसा नहीं पहुंचा। रमन सरकार में 3 से 4 दिन में और कभी 24 घंटे के अंतर किसानों के घर पहुंचने से पहले किसान के खाते में राशि पहुंच जाती थी। 2 वर्ष के बोनस आदि की थी। सरकार ने जो है, केंद्र सरकार ने जो बात करी कि भाई 24 लाख टन हम धान खरीदेंगे और उसके लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी उसके लिए कि भाई उन्होंने उसका धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री। इससे साफ जाहिर होता है कि भाई केंद्र सरकार तो पूरी तरह से सहयोग कर रही है, लेकिन राज्य सरकार को जो कमिटमेंट जो कर रही है वो पूरा नहीं कर रही है। धान पूरा खरीद नहीं पा रही है। चावल के लिए तो केंद्र सरकार ने ओके कर दिया है, धान जब वो खरीद नहीं पा रही है, बारदाना दे नहीं पा रही है, 1 महीना पहले ही डिले किया, किसान पैसे के लिए कब तक इस तरह से जूझता रहेगा। 1 महीना पहले डिले कर दिया, उसके बाद में अभी धान अभी भी आता है, बीच में रोक दिया कि भैया अभी धान नहीं खरीदेंगे, फिर 15 दिन और 20 दिन खींच गया। मेरा स्वयं का कुछ धान था, उस धान का जो है 4 तारीख का नंबर आया, उसके पहले घोषणा हो गई कि अभी नहीं, अभी वो 18-20 तारीख को खरीदेंगे। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य है कि सरकार जो है टालन बोल कर रही है, और जब जिसका धान ले लिया तो उस धान का 20-20 दिन तक भुगतान नहीं हो रहा। जहाँ तक सवाल है कि भुगतान भी नहीं हो रहा है, बारदाना अवेलेबल नहीं है, बारदाना अवेलेबल करवाने के लिए अगर किसान जो है बाज़ार से 30-40 रुपये के अंदर था बारदाना खरीदने के लिए मजबूर हुआ, किसी तरह से व्यवस्था करके अगर उसने बारदाना खरीद लिया तो उसका बोले हम 15 रुपये देंगे। तो आखिर ये बोलने की बात हुई ना खाली कि भाई हम ये सहयोग कर रहे हैं, किस तरह का सहयोग।